दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी बिजनेस के लिए गूगल एड सेटअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रिस्पॉन्सिव सर्च एड सेटअप करने वाले हैं, जिससे आपको अच्छी से अच्छी लीड्स मिल सके, व्हाट्सएप मैसेजेस मिल सके, आपको कॉल्स मिल सके। सो कंप्लीट इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सेटअप कर सकते हैं। वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी बिजनेस के लिए गूगल एड कैसे सेटअप करना है, स्पेशली रिस्पॉन्सिव सर्च एड। एक आप इसमें रिस्पॉन्सिव सर्च एड, दूसरा आप इसमें कॉल एड, ये दोनों रन करके काफी अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली रिस्पॉन्सिव की बात कर रहे हैं। सो एक बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट पे आ जाता हूं मैं। हम गूगल एड्स के एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट पर आ गए। यहां पर आने के बाद हम सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करेंगे। देखिए, सब कैंपेन को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। प्लस न्यू कैंपेन से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट पर जाके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं से भी जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे, कैंपेन्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कैंपेन्स पर हमने क्लिक किया। कैंपेन के ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, एक्स वाई जी, ऐसे आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। सो हम जो ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, गोल्स गाइडेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हम इस वीडियो में स्पेशली सर्च की बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर सर्च ले लेते हैं। कैंपेन का टाइप सर्च लेने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्जेंस गोल्स आएंगे। देखिए, कन्वर्जेंस गोल्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका लीड फॉर्म, आप लाइक आप वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जा रहे हैं, वहां पे आपने लीड फॉर्म बनाया है तो लीड फॉर्म के लिए कन्वर्जन गोल सेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए कन्वर्जन गोल सेट कर सकते हैं, कॉल के लिए कन्वर्जन गोल सेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे सेट करेंगे हम कन्वर्जेंस गोल, तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाइए, हमने कन्वर्जेंस गोल्स की वीडियो डाली हुई है। तो आप सिंपली इतना लिख दीजिए, लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग डिजिटल शिवम, ठीक है, मेरे चैनल के नेम के साथ सर्च करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखकर आसानी से कन्वर्जन ट्रैकिंग आप सेटअप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ऐसे छोड़ता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको देखकर आसानी से सेटअप आप कर पाएंगे। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, वेबसाइट विजिट, फोन कॉल, ऐप डाउनलोड। यहाँ पर आप अपना वेबसाइट का लिंक पुट कर सकते हैं या फिर आगे आने वाले स्टेप्स में भी यही सेम स्टेप्स होते हैं, तो वहां पर भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। अब यहाँ पे एक नेम दे देते हैं। सो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं एस्ट्रोलॉजी, एक सिंपल नेम दे देते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एक मैंने नेम दे दिया एस्ट्रोलॉजी और एड्स कर देते हैं इसको। कैंपेन का नेम एस्ट्रोलॉजी और एड्स मैंने कर दिया। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बिडिंग आती है। देखिए, बिडिंग में मल्टीपल टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप देखेंगे कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस वैल्यू, क्लिक, इंप्रेशन शेयर, ऐसे मल्टीपल टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज आप सामने देख रहे होंगे। सो स्टार्टिंग में हम क्लिक लेके चलेंगे क्योंकि क्लिक पर हमारा एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा स्टार्टिंग में, अगर हम बिल्कुल एक फ्रेश कैंपेन बना रहे हैं तो। ठीक है, क्लिक का अमाउंट सेट करेंगे। अब ये क्लिक का अमाउंट कीवर्ड प्लानर पर आप देख सकते हैं। कीवर्ड प्लानर कहाँ आता है इसके लिए मैं बता दूं, यहीं से आपको कीवर्ड रिसर्च भी करनी है, आपको टूल्स में आके प्लानिंग में आना है, टूल्स में आके प्लानिंग में आना है। यहाँ पर आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा, यहीं पे आपको जो जिस टाइप के भी कीवर्ड्स पर आप रिस्पॉन्सिव सर्च एड रन करना चाहते हैं वो कीवर्ड्स के आइडियाज मिलेंगे और उसके साथ साथ उसका सीपीसी भी, मैक्सिमम और मिनिमम सीपीसी, टॉप पेज के लिए हाई रेंज और लो रेंज आप वहां पर देख पाएंगे। ठीक है, बिडिंग सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने बिडिंग सेट कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कैंपेन की सेटिंग्स में नेटवर्क्स आते हैं। नेटवर्क्स में सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क्स ही होते हैं, सो इनको मैंने अनचेक कर दिया। नेटवर्क्स में मैंने सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क्स अनचेक कर दिए। अब लोकेशन में आते हैं, तो अभी मैं पूरा इंडिया ले रहा हूँ, फिर आपका लाइक कोई पर्टिकुलर सिटीज के लिए आप एस्ट्रोलॉजी के एड रन करना चाहते हैं, कंट्री के लिए करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, यूएस, कनाडा, देन आप यहाँ पर कंट्रीज भी ले सकते हैं। अभी के लिए मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ, इंडिया ले लिया और यहाँ पर इंटरेस्ट बेसिस पे है और आप केवल उसी जगह के लोगों को दिखाना चाहते हैं, बाहर से कोई सर्च करे। सो अभी मैं ये फर्स्ट वाला ले रहा हूँ, इंटरेस्ट भी और प्रेजेंस भी। ठीक है, यहाँ पे हम लोकेशन में ऑल कर देते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी इंग्लिश रखते हैं। अभी हम सिर्फ हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेजेस रखते हैं लोकेशन में। ठीक है, हम इसको करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद थर्ड स्टेप्स आएगा। थर्ड स्टेप में आपका सिंपली बीटा वर्जन में है, ये आपकी एड को क्रिएट करने में हेल्प करता है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देते हैं और यहाँ पर हम कीवर्ड्स को पुट करते हैं। ठीक है, सो कीवर्ड मैंने नोटपैड पे नोट करके रखे हुए हैं, इसमें फटाफट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स को पुट कर दिया। अभी ये कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, देखिए कीवर्ड्स के लिए अभी मैंने बताया था कीवर्ड प्लानर, यहाँ पर टूल्स में कीवर्ड प्लानर, यहीं से ये कीवर्ड के आइडियाज मैंने लिए हुए हैं, तो कीवर्ड मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब यहां पर हमारा एड क्रिएट होगा। देखिए यहां पर आपका फाइनल यूआरएल आएगा, यहां पर आपके डिस्प्ले पाथ आएंगे, फिर हेडलाइन आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा। तो फटाफट मैं सारा कुछ फिल कर देता हूं। तो अभी के लिए मैंने फाइनल यूआरएल और डिस्प्ले पाथ दे दिया, फाइनल यूआरएल यहां पर शो होगा, डिस्प्ले पाथ यहां पर शो होगा। अब यहाँ पे कॉल के लिए एक एक्सटेंशन आ रहा है, प्लस कॉल बटन पर हम क्लिक करेंगे, आपका जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे आपका लाइक कंट्री के साथ। ठीक है, सो आपका यहाँ पे एड के नीचे कॉल एक्सटेंशन शो होने लगता है। अभी के लिए मैं यही नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए सो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे एड के नीचे इस टाइप से एक्सटेंशन शो हो जाता है, कॉल एक्सटेंशन काफी हेल्पफुल करता है, काफी हेल्पफुल रहता है कॉल्स के लिए। अब हमें यहाँ पर हेडलाइन देनी है और डिस्क्रिप्शन देना है, मिनिमम 10 हेडलाइंस तो आप पुट करें और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में फटाफट फिल कर देता हूं। अब मैंने डेमो के लिए कुछ हेडलाइंस और कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ये एड का स्ट्रेंथ भी गुड हो गया है, इसको आपको एक्सीलेंट तक ले जाना है। अभी मैं एग्जांपल के लिए मैंने डेमो के लिए कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिए है, बट आप प्रॉपर देंगे देन ये एक्सीलेंट तक जाएगा और गुड भी आएगा तो भी आपका ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें और आएंगी, साइटलिंक एक्सटेंशन। साइटलिंक एक्सटेंशन में आप 4 डिफरेंट पेजेस के यूआरएल ऐड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर आपके जैसे कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया तो कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अस का यूआरएल आ जाएगा। इसी टाइप से अबाउट अस आ गया, अबाउट अस आ जाएगा, अबाउट अस का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यूआरएल आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। इसी टाइप से आपका कॉल आउट एक्सटेंशन होता है, ये जरूर से देना है आपको अपने रिस्पॉन्सिव एड में, जैसे बेस्ट सर्विस, बेस्ट कॉल, थोड़े बेस्ट कस्टमर रिव्यू, 4 कॉल आउट एक्सटेंशन आपको यूज करने हैं। ये कॉल आउट एक्सटेंशन आपके ऐड के नीचे यहाँ पे शो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉल आउट एक्सटेंशन देना है। अब हम इसको करते हैं डन एंड देन हम इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बजट का ऑप्शन आएगा, सो जो भी आपका रेगुलर बजट होगा वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। सो हमारा रेगुलर बजट है 700 रुपीज एग्जाम्पल के लिए, सो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे, आपके कैंपेन्स की एरर को चेक करेगा एंड देन पब्लिश का बटन आएगा। सो देखते हैं कोई एरर होगा तो ठीक है, अदरवाइज पब्लिश का बटन आएगा। अभी कोई भी एरर नहीं है, सो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ गया, हम इसको कर देते हैं पब्लिश। तो अभी ये सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगा, सो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाना है। अच्छा, यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाने के बाद नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर देना, सर्च कीवर्ड्स पे जाना एंड देन नेगेटिव कीवर्ड्स पे जाना, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट वगैरह आप प्रॉपर तरीके से ऐड कर देना। एसेट्स में जाना, इमेज वगैरह, लोगो वगैरह आप यूज कर लेना, प्रमोशंस यूज करना है, फिर आपको सेटलिंग देना, अगर आप यहाँ से देना चाहें दे सकते हैं, कॉल आउट, हेडलाइंस, ये सब भी आप प्रॉपर तरीके से यूज कर लेना। सो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप रिस्पॉन्सिव सर्च एड बना सकते हो अपने एस्ट्रोलॉजी बिजनेस के लिए। तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से सेटअप करोगे। आगे आप हम कॉल एड की भी वीडियोस लाएंगे, सो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।